उत्तराखंड में इस टाइम आओगे ना तो स्वागत आपका इन झरनों से होगा। देख सकते हैं कितना सुंदर मनमोहक से है भाई आगरा खाल का नज़ारा। आप देख सकते हो दिन में क्या धुंध उड़ रही है यहाँ, और मौसम का नज़ारा आप देख सकते हो यहाँ का। दाल का तो भरमार है भाई यहाँ पे, हर 10 कदम में आपको दाल मिल जाएगी और जूस मिल जाएगा उत्तराखंड का ब्रांस। तेल गरम और भाई साहब निकाले जा रहे हैं यहाँ से रोट का, तो इसका छाप भी होता होगा ना। अच्छा ये मशीन है। स्वागत है गाइज आपका फिर से उत्तराखंड के आगरा खाल में। तो गाइज आगरा खाल की मैं बात करूँ तो आगरा खाल जो है ऋषिकेश से मात्र 32 किलोमीटर है, और ये ऋषिकेश यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है, और देहरादून से ये ओनली 55 किलोमीटर के दायरे में है। और आगरा खाल नरेंद्र नगर ब्लॉक के अंदर ही आता है, जो कि एक तहसील भी है नरेंद्र नगर, और टीजी गढ़वाल का बहुत ही खूबसूरत शहर बोलेंगे इसको आगरा खाल, और अपने आप में ये बहुत ही यूनिक है। और आज हम आगरा खाल ही एक्सप्लोर करेंगे। और आगरा खाल जो है माना हुआ है अपने खाद्य पदार्थों के लिए, यहाँ का जो अदरक है वो काफ़ी फेमस है, और यहाँ पर दालें वगैरह भी मिल जाती हैं, जूसेस मिल जाते हैं, और इसको काफ़ी गांव जो है कवर करते हैं इस मार्केट। आप देख सकते हो ऊपर पहाड़ों में छोटे छोटे घर आटा चक्की, और इसी के बगल में जो है एक दुकानें हैं, और यहीं पर जो है ये आरसे वगैरह बनाते हैं। उत्तराखंड की एक स्वीट डिश है ये, तो ये है भाई गढ़वाली डिश रोट, और ये ज़्यादातर स्वीट होता है, और ये है आरसे भाई। ये तो पूरा बक्सा भरा हुआ आपने है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें भी है, क्या बात है, ओ भाई गजब। ये आप देख सकते हैं भाई आगरा खाल के फेमस आरसे और रोट यहीं मिलेंगे। और फर्स्ट जैसे आप ऋषिकेश से यहाँ आते हैं ना तो एंट्रेंस में ही दुकान है ये, और भाई साहब अभी हमारे साथ हैं और उनसे भी बात करेंगे कि कैसे कैसे इनका प्रोसेस है, और कैसे कैसे जो है कि बनाने का तरीका है, और कितने क्वांटिटी में ये लोग बनाते हैं। तो ये आपका किचन है, बहुत बढ़िया है। वो बहुत बड़े बड़े कढ़ाई रखी भाई आपने तो। भाई प्रणाम। अच्छा रोड बन रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। इंद्र कंडारी जी हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ पर आरसे और रोट जो उत्तराखंड की डिश है उसको चलाते हैं, और बहुत ही जो है ऐतिहासिक है ये, और आज के दौर में भाई साहब जो है इस दुकान को चला रहे हैं, और काफ़ी लोग वो यहाँ पर लेके जाते हैं। भाई साहब कंडारी जी क्या कहेंगे आप इस बारे में जो आपने धरोहर संभाल कर रखी हुई है? सर ऐसा है कि हमने जो है पुरानी चीज़ें जो विलुप्त हो रही थी इन चीज़ों को बढ़ावा देने का, जो हमारे पापा जी हैं श्री बालम सिंह कंडारी जी, उन्होंने सबसे पहले सोचा कि यार काम नौकरी करेंगे, मतलब जो हमारा होता क्यों ना अपना ये रोज़गार खोला जाए, तो उन्होंने ये चीज़ें बोला है कि ये चीज़ें चलानी है। पुरानी चीज़ें थी लुप्त हो रही थी, तो एक बार फिर से सबको पता लग गया कि अरसे और रोटाने भी यहाँ की वो है मिठाई, सबसे पहली मिठाई जो है यही है अरसे। कितने जगह आपका ये अरसे और रोटाना जाते हैं? ये सर लगभग ये मानो तुम आपके चंबा हो गया, टिहरी हो गया, देहरादून, ऋषिकेश, ढालवाला, पूरा जितनी भी शादियाँ होती है लगभग सबकी डिमांड है हमारे पास ही रहती है। ओके। और मैंने सुना है कि देश विदेश में भी लोग यहाँ से पैक करके। हाँ जी सर, जैसे कोई विदेश से घर आ रखा उसने वापस जाना है तो पहले डिमांड दे देता है कि भाई मैंने वापस जाना है, मेरे लिए इतना केजी अरसा पैक कर देना। कितने दिन पहले डिमांड देनी पड़ेगी? सर जैसे शादी शुदी का होता है तो कम से कम 1.5-2 महीने पहले देनी पड़ती है, बाद में फिर डिमांड पूरी हो जाती है फिर ले नहीं पाते ना। अच्छा हाँ जी सर, चलो थैंक यू सर। ये है तेल गरम और भाई साहब निकाले जा रहे हैं यहाँ से रोट का, तो इसका छाप भी होता होगा ना। अच्छा ये मशीन है, ओ बहुत बढ़िया। ये तो भाई फर्स्ट में हमें जो है अच्छा इंप्रेशन मिला, यहाँ पर उत्तराखंड की मिठाई की दुकान भी मिल गई, और भाई साहब भी मिल गए जिन्होंने कि इस डिश के बारे में बताया, और
काफ़ी अच्छा है कि वो यहाँ आकर काम कर रहे हैं भाई, उत्तराखंड में कहीं बाहर नहीं गए, यहीं पर काम कर रहे हैं। और दुकानें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये टू व्हीलर्स की रिपेयरिंग की दुकान भी है यहाँ पे। पहाड़ी दालों के लिए काफ़ी फेमस है आगरा खाल, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे दालें हैं। ये जख्या है जिससे कि तड़का तुड़का मारते हैं। ये हल्दी क्या, गाँव की? गाँव की हल्दी, पहाड़ी हल्दी जी जी। अच्छा, और ये है भाई झंगोरा, ये बहुत ही कीमत, क्या है इसका रेट आजकल? 120 रुपये किलो जी। अच्छा, और ये काले भट्ट हैं? सफ़ेद भट्ट। ये सफ़ेद भट्ट, तो ये भी दालें हैं। ये दाल और है। ये इस तरह से जो है कि ये रयास है ना? रयास है। और ये चावल कैसे हैं ये वाले? लाल चावल, उखड़ी चावल का। अच्छा, ये लाल चावल है। अच्छा अच्छा, तो ये खीर बढ़िया, खीर बढ़िया बनती है। और ये अचार भी पहाड़ी है? अचार सब भाई, सारा पहाड़ी है। पहाड़ी है। अच्छा, बहुत बढ़िया भी है ये जो है। ये बुरांस का है, लिखा भी है इस पे। और ये माल्टा है जी। ये है भाई माल्टा का जूस, आप देख सकते हैं। तो पहाड़ों का जो मार्केट होता है ना, वो भाई डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। यहाँ पर जो है कि पहाड़ी आइटम मिलेंगे, और पहाड़ी वाइफ तो खैर आ ही रही है, और बहुत ही बढ़िया, एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के। ये है पटवारी की चौकी आगरा खाल, और ये है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट। आजकल बारिश का मौसम है और स्लाइडिंग जोन है ये, और जस्ट इसी के सामने ये दुकान भी है। नाम कैसे पड़ा इस जो भी है ये एरिया? ये आगरा खाल, आगर गांव है एक, तो उसी के नाम से आगरा खाल पड़ा हो। कहाँ पर है वो गांव? इधर ही। ये आगरा खाल से थोड़ा आगे जाके नीचे गांव पड़ता है। अगर खाल की जो आधा एरिया है वो आगर ग्राम सभा का है। अच्छा, आगर ग्राम सभा जी। जो भी दुकानदार है सब उन्हीं के ही है? हाँ, कुछ आगर ग्राम सभा का है, वो सेट इस सेट सल्डोगी और सीट ग्राम सभा का है। अच्छा, दो तीन तीन गांव है उसमें आगर खाल मार्केट में, जिनकी दुकानें हैं। अच्छा, और ये कितने गाँव को कवर करता है ये वाला मार्केट? इसमें ये वाला मार्केट कम से कम 25 गाँव का कवर करता है। 25 गाँव मानना पड़ेगा, चलते हैं। वो 25 गाँव में है लोग, मतलब अभी इतने नहीं है, पर जो भी है घर में तो वो आते ही है। सही बात है। आपका शुभ नाम? मैं परवीन कंडारी। अच्छा, कंडारी जी। देख सकते हैं ये भाई साहब की दुकान है, और ये बढ़िया उन्होंने सेटअप कर रखा है बिल्कुल एक मार्ट की तरह। और यहाँ पर भी जूस वगैरह मिल जाएंगे, माल्टा है, आंवला है, पुदीना है, और बुरांस भी है। बुरांस भी है जी। और ये आप देख सकते हैं, ये पहाड़ी राजमा है। राजमा, ये राजमा है यहाँ पे, और देख सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट दाल है यहाँ पे। ये थे हमारे कंडारी जी, जो कि घर पे ही हैं और दाल वगैरह रखते हैं। तो भाई यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है बहुत अच्छी जगह में, तो सुविधाओं से लैस है ये पूरा आगरा खाल। और गाइस नज़ारा देखो भाई यहाँ से, ये देखिए गाँव होगा नीचे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और मौसम तो क्या कहना भाई, लाजवाब मौसम है। रोड के बारे में तो क्या कहना, ये यमुनोत्री गंगोत्री वाला रास्ता है, और अपने आप में बहुत ही सुगम। नाइस प्रॉपर्टी, इंटरलाइन रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट आगरा खाल में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ भी हैं। अपना पहाड़ी ढाबा, और आगरा खाल में अच्छा डेवलप है भाई, रेस्टोरेंट्स हैं, मार्केट्स हैं, यहाँ तक कि मैकेनिक वगैरह भी देखे मैंने यहाँ पर, और वेल डेवलप्ड मार्केट है ये। ये देखिए यहाँ मैकेनिक वैकेनिक दुकान है, दाल का तो भरमार है भाई यहाँ पे। हर 10 कदम में आपको दाल मिल जाएगी और जूस मिल जाएगा, उत्तराखंड का ब्रांस। रेस्टोरेंट्स एंड जनरल स्टोर्स, कैनरा बैंक, और ये देख सकते हैं भाई यहाँ बैंक की सुविधा भी है। गाड़ियाँ देखो यहाँ पे सब रुक जाती हैं, क्योंकि मार्केट अच्छा है। तो भाई वेल डेवलप मार्केट है ये, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे, अच्छा रेस्टोरेंट है भाई। नमस्कार। ये देखो भाई धुंध उड़ती हुई, मौसम क्या गजब है भाई आगरा खाल का। ये देखिए धुंध उड़ती हुई अभी भी दिन में भी। तो यहाँ से है भाई आगरा खाल का नज़ारा, आप देख सकते हो
दिन में क्या धुंध उड़ रही है यहाँ, और मौसम का नज़ारा आप देख सकते हो यहाँ का। तो भाई दिन के बज रहे हैं एक, और मौसम के बारे में तो क्या कहूँ मैं, यहाँ पर ना ठंडी हवा भी चल रही है और बादल जो है आप देख सकते हो, ये कुहासा ये तो उड़ ही रहा है यहाँ पे। तो मौसम के लिए तो भाई गजब प्लेस है ये। ये जो रोड जा रही है ना बादलों के बीच, ये जा रही है सिलडोगी के लिए। क्या गजब नज़ारा भाई। भाई प्रणाम, क्या बात, मुंगरी? अच्छा, घोरा मुंगरी से कि देसी गरिया से? बहुत बढ़िया। और ये देखो भाई, यहाँ आप मक्के का भी आनंद ले सकते हो भाई साहब, यहाँ बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। उबालते भी आप? उबाल नहीं। अच्छा उबाल नहीं था। अच्छा तो यहाँ मैं वो लोगों बोला नमक मेरे से, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। और ये जूस भी रखा आपने? बुरास का जूस। दाल बहुत है भाई यहाँ पे, हर वैरायटी की दाल मिल जाएगी, खासकर पहाड़ी। जूस रेस्टोरेंट्स। भाई नमस्कार, भाई प्रणाम। ये है भाई पूरे रेस्टोरेंट्स, और सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं और खाना खा के आगे जाते हैं लोग। और ये देखे भाई, भारतीय डाक अभी भी यहाँ पर जिंदा है। और ये देखिए जूस, हल्दी, एंड ये आप देख सकते हो कि दालें बहुत है भाई यहाँ पे, हर वैरायटी की दाल मिल जाएगी। तो मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, और बढ़िया मार्केट है भाई ये। तो आगरा खाल में एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पर जो है दालें वगैरह काफ़ी हैं, जूस वगैरह काफ़ी है। और मार्केट बताऊँ मैं तो, मार्केट ना बहुत ही बढ़िया है भाई, यहाँ का सुविधाजनक मार्केट है। मैंने तो सोचा था यार मार्केट जैसे पहाड़ों में नॉर्मली होता ना वैसे हो गए, लेकिन अच्छा मार्केट है, हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे। जूसेस वगैरह तो ऐसे पड़े हुए यहाँ पे, भर के पड़े हुए भाई, एकदम बड़े बड़े ग्लासेस। ये क्या है, ये वाला पिशु लोन? पिशु लोन है। और ये देख सकते हैं भाई, ये है पिशु लोन, ये शार्क टैंक में भी काफ़ी चला था। किस क्या क्या मिला रखा इसमें? अजवाइन वगैरह सब मिला रखा उसमें, और ये बंगजीर होती ना हमारे यहाँ, बंगजीर। हाँ भांग का। हाँ बंगजीर है। हाँ ये बंगजीर। हाँ ये बंगजीर है। अच्छा, और ये पीछे लोड ना? हाँ। ये कद का जो? 50 रुपये। 50 रुपये जो? बाबा बहुत महंगा जोड़ा तुम था। ये बहुत कीमती चीज़ें पड़ी हैं। कीमती चीज़ पड़ी? हाँ। चलो बढ़िया। जबरदस्त है। तो मैंने यहाँ से ना पीछे लून ले लिया है, जो कि पहाड़ का मस्त लून होता है भाई, नमक है ये। सही लगाओ ना, कत ढूंढे। अरे मैं भैरव नहीं छूँ, मैं गढ़वाल छूँ। बढ़िया लग रहा। दालें हैं, मिक्स दालें हैं, राजमा है, जक्का है, अचार है। अचार किस किस का है? तिमला का है, माल्टा का वो है, मिक्स है, तिमला है। समूह बने, समूह वाले बनाते हैं लेडीज। अच्छा, गांव में बनाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। गांव वाले सब सामान ये पैकिंग पुकिंग करके देते हैं, सामने नमक ये सब उन्होंने बना रखा है। ये सब उन्होंने बनाया? हाँ वही बनाते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। दाल ही दाल का मार्केट है भाई कम्प्लीट। ये दिखे भाई पकौड़े बहुत दिनों के बाद। भाई राम राम। तो भाई अभी अभी धूप थी, और जस्ट अभी अभी ना मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, बादल आ गए यहाँ पे, और बारिश के चांसेस लग रहे हैं। तो मज़ा आ जाएगा अगर बारिश आ जाएगी तो। अभी आगरा खाल के भुट्टे वगैरह खा लेते हैं यहाँ पे, और तो कुछ खाने का मन नहीं हो रहा फिलहाल, लेकिन भुट्टे का ऑर्डर दे दिया भाई साहब को मैंने। और बनता भी है यार यहाँ पे, अगर ये लोकल है तो बनता भी है कि हम यहाँ पर कुछ खरीदें। ये बढ़िया है, घुमाते रहो इसको। पंख चेक भीतर ना, ये पहल के जमन में ना, ये जो लोहार होना ना उम्र होना चाहिए है ना भाजी, वही तो चलो वो दथुड़ा को। हाँ दथुड़ा पलौना थे, बट ये आपने अच्छा निकाला सिस्टम कि कहीं और काम आ रही है। नहीं बिल्कुल बहुत गर्म शहर भाजी, गिचपू के जान मेरे ठंड हो कोई बात नहीं, वो जान गर्म नहीं ठीक।
गाइस आप देख सकते हो पीछे ये है बरसाती झरने, और जब भी आप उत्तराखंड में इस टाइम आओगे ना तो स्वागत आपका इन झरनों से होगा। देख सकते हैं कितना सुंदर और मनमोहक व्यू है, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है अपने आप में। तो इसीलिए भाई पहाड़ छोड़ने का मन नहीं करता, इसीलिए बार बार जो है ना ये पहाड़ अपनी तरफ खींच कर ले आते हैं। इतनी मनमोहक जगह, इतनी ब्यूटीफुल जगह, और वेदर का तो क्या ही कहना यार, इतना मस्त वेदर हो गया ना भाई, धूप का तो नामो निशाने नहीं है। ब्यूटीफुल शॉप, ब्यूटीफुल जगह में। तो भाई मौसम, धुंध देखो धुंध, क्या गजब का मौसम है भाई। आप देख सकते हो ये आगरा खाल के आसपास क्या गजब का मौसम हो रहा है भाई। ये खतरनाक स्लाइडिंग पॉइंट, और आप देख सकते हो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।